मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे रेलवे अधिकारियों के साथ भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे बोर्ड के द्वारा अमृत भारत स्टेशन को लेकर डीआरएम ने सुल्तानगंज स्टेशन के चयन को लेकर निरीक्षण किया। गुरुवार की देर शाम पहुंचे डीआरएम ने शुक्रवार को सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान एवं सुभाष पोद्दार, मनोज सिंघानिया, राजीव कुमार, अनिल सिंघानिया और राधा देवी ने अंगवस्त्र देकर डीआरएम का स्वागत किया और सुल्तानगंज स्टेशन की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने डीआरएम से सुल्तानगंज स्टेशन रेलवे लाइन के दक्षिणी ओर रोड और ओवरब्रिज का निर्माण कराने, 24 घंटे पूछताछ केंद्र चालू रखने, आरक्षण काउंटर की संख्या बढ़ाने, अतिक्रमण हटवाकर गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कराने समेत कई बिंदु पर अपनी बात रखी गई और मांगों का ज्ञापन भी डीआरएम को सौंपा गया। इस दौरान डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि जल्द ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा और यहां अमृत भारत स्टेशन बनाने के लिए सरकार से रेलवे को मंजूरी मिल गई है। वहीं डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि सुल्तानगंज स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लिखित ज्ञापन मिलने पर उस पर भी विचार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मौके पर सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार सिंह, आरपीएफ एवं जीआरपी के उच्च अधिकारी समेत काफी संख्या में रेलवे से जुड़े अधिकारी, कर्मी और लोग मौजूद रहे। हम लोगों का जो विजिट है आज का, एक तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम की डिटेल्ड प्लानिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आर्किटेक्ट्स एंगेज किए हैं सभी स्टेशनों के लिए, तो उनके ग्रुप बना बना करके, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि अगले 2-3 रोज में उनको फाइनल हम लोग लेटर ऑफ एलोकेशन देने की परिस्थिति में आ जाएंगे। तो वो जो आर्किटेक्ट्स हैं वो सर्वे करेंगे, सर्वे करके यहाँ पर यहाँ के ट्रैफिक को समझेंगे और यहाँ की जो हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे और उसके हिसाब से हमको सर्कुलेटिंग एरिया है, जैसे बाहर का जो क्षेत्र होता है तो उसमें ट्रैफिक को कैसे आना चाहिए जाना चाहिए, कैसे उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसका जो फेस है, फसाड है जो कहलाता है, तो उसको कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कैसे उस स्टेशन का कैरेक्टर जो है वो उभर करके सामने आए, ये प्रयास, तो इन सब चीज़ों पे आर्किटेक्ट्स हमारी मदद करेंगे और वो अपना काम शुरू करेंगे जल्दी ही। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने सेवा एक्सटेंशन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर दिया गया है, जबकि ज्यादातर लोगों को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर नौकरी करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। संविदा कर्मियों ने कहा कि 8 से 10 साल से काम करने के बाद आखिर वो लोग अब रोजगार की तलाश में कहां जाएंगे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। वहीं इसको लेकर कुलपति आवास के सामने कर्मचारियों के द्वारा घंटों प्रदर्शन किया गया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर भी अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मामला यही है, हम लोग को मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और बिजली साहब के ट्वीट के माध्यम से जानकारी ये मिला कि 13 और 12 और 11 का जो बीच में है उनकी संविदा निर्भर की जाएगी, और हमें ये भी मिला जानकारी कि 14 और 17 सरकार से ऑर्डर लेंगे तभी हम करेंगे। और लोग, हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग 9 साल इस संविदा में काम कर रहे हैं बड़ी परिस्थिति से। हम लोग हॉस्टल के कर्मचारी हैं, हमारे हॉस्टल में लगभग 20-25 कर्मचारी है जो कि बाढ़ पीड़ित हर स्थिति में हम लोग अपना काम किए, कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी को अपना कर्तव्य समझकर मैंने काम किया। आज हमें इस स्थिति में ला दिए हैं जो कि परिवार और बाल बच्चों को परिस्थिति और नचार से जीना पड़ रहा है। इनसे सेवा करने आज से नहीं हर कर्मचारी जान रहा भैया, और अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग वीसी साहब से जानते चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे और इंसाफ की संविदा पर कर रहा है, हम लोग को भी संविदा पर किया जाए सर, और यही हम लोग का रोजी रोटी है। ऐसी सूचना मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों में पढ़ा कि TNB कॉलेज के 13 कर्मी को, जो कि 2013 के बाद के बहाल हैं, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। जबकि हम लोगों ने कई बार जो है स्थापना शाखा और विश्वविद्यालय में देखा कि इस प्रकार का कोई पत्र है ही नहीं सरकार का कि संविदा रिन्यूअल को रोका जाए। सरकार का बजाबता ये पत्र है कि बिहार सरकार में कि संविदा कर्मी को 60 साल तक के लिए कर दिया गया है कि उनको बार बार एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को होने वाली बैठक में पार्टी की मजबूती एवं कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिससे अंग की धरती भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान मिलेगी। लाजवंती झा ने कहा कि महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ कर हो, इसके लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और संगठन ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी तय कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के अलावे भाजपा की कई नेत्री और सदस्य मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्य समिति भागलपुर में तय की गई है और इसमें निश्चित रूप से श्री श्वेता जी को जाता है कि उन्होंने सहर्ष इस जो हम लोग तय किए कि करना है तो दीदी भागलपुर में होना चाहिए और हम लोगों ने अंग की धरती का चयन किया और अंग की धरती पे सभी पूरे बिहार की बहनों को बुलाने का एक शुभ अवसर हम लोगों को श्वेता जी प्रदान की। निश्चित रूप से इसमें सत्र लेने के लिए काफी लोग आएंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी जी, हमारे संगठन के क्षेत्रीय मंत्री नागेंद्र भाई साहब, अभी तक बातचीत चल रही है हमारे संगठन के महामंत्री भीखू भाई जलसानिया जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, बेगूसराय के राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी, शंभू सरेन पटेल जी राज्यसभा सांसद और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल से राज्यसभा की वो सांसद है इंदु गोस्वामी जी, जो कि महिला मोर्चा बिहार की प्रभारी भी है, वो भी यहाँ उपस्थित हो रही है। इसके साथ और सभी सत्र लेने वाले लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम प्रमाण योजना, सोइल हेल्थ और मोटा अनाज उत्पादन योजना को लेकर भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला का आयोजन किया गया है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में इस बार इस मसले पर ही जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर सबौर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वी भारत के किसानों के लिए ज्यादातर प्रदर्शनी मिलेट्स उत्पादन और सोइल हेल्थ को लेकर सजाया गया है। प्रदर्शनी में रागी, जौ, मड़ुआ, बाजरा जैसे कई मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जबकि मेले में किसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा लगाकर सामाजिक और मानवीय तौर पर एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां मोटे अनाज अपनाओ ताकत बढ़ाओ जैसा स्लोगन भी आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं इसको लेकर बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने बताया कि पिछले 5-6 दशक में हरित क्रांति को लेकर अनाज उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है और अब भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर और बड़ा निर्यातक बन चुका है। कुलपति ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी कड़ी में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। कुलपति ने बताया कि पिछले कोरोना काल में भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा में कम रही है और इसके पीछे का बड़ा कारण हिंदुस्तान की मिट्टी और उसके कृषि उपज में रोग प्रतिरोधी क्षमता का अधिक होना है। बहुत कारगर साबित होगा और ये तो निश्चित है कि देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से और तमाम तरह के थ्रेट तो आ रहे हैं, लेकिन उसके चलते हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक हैं उसके लेके भी काम हो रहा है और हमने उसके ऊपर कई वैरायटी ऐसी भी लाई हैं जो वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। तो ये चैलेंज तो रहेगा ही, लेकिन चैलेंज को साथ रहते हुए भी हमें उसको उभरते हुए आगे बढ़ना है। पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सूबे में बिहार पुलिस दिवस को लेकर जन जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भाला फेंक, दौड़, डिस्कस थ्रो शामिल रहा। वही कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान समेत कई लोगों ने फीता काट कर किया। इधर विजेता बच्चों को वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। देखिए बिहार पुलिस दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाना है, उसके तत्वावधान में जन सहभागिता जन संवाद मोटरसाइकिल रैली पिछले 4 दिनों से पूरे भागलपुर जिले में हर गाँव और हर मोहल्ले और वार्ड में विजिट करके आम जन के साथ संवाद कर रही है, उनसे बात कर रही है और उनको उनके सुझावों को भी संकलित कर रही है। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहादुरपुर जगह है जहाँ हम लोग हैं, औद्योगिक परिक्षेत्र थाना है
उसमें दो सरकारी स्कूल और दो प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपट्टे शातिर बदमाश को स्थानीय लोगों ने दबोच कर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटने के पहले उसने मशाकचक मोड़ के पास भी प्रमिला राय नामक शिक्षिका का मोबाइल झपट लिया था, लेकिन एक घंटे के अंतराल पर दूसरा मोबाइल जिला स्कूल के समीप झपटने के प्रयास में स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। वहीं इस बीच पास के घर के छत पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। इधर जोगसर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पुलिस पल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों के कब्जे से झपटमार युवक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि झपटमार की बाइक से 3 अलग अलग नंबर प्लेट बरामद हुआ है। मामला सर यही हुआ था कि वो लड़का जो है थाना में पकड़ाया अभी, तो वो मोबाइल सर सबका चिंता है, यहाँ पे बाइक पर से छीन करके स्पीड में निकल जाता है, तुरंत आँख से उजर हो जाता है वो। कहाँ पे ये पकड़ा है? अभी तो पकड़ाया जिला स्कूल के पास। अच्छा, अभी मोबाइल छीन के भाग रहा था तो कोई एक लड़का पीछा किया, बाइक से धक्का लगा, वो गिर गया, इतने में पकड़ा गया, तो फिर बाद में प्रशासन आई तो अपना उसके बाद फिर थाना लेके आई है उसको। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 3 दिवसीय किसान मेले में शिरकत करने पहुंचे गोपालपुर विधायक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसान सलाहकारों पर ही आरोप लगा दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि अगर किसान सलाहकार सुधर जाएं तो किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों द्वारा किसान तक सरकार की हर एक योजनाओं को नहीं पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें खेती में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा किसान सलाहकार अगर सुधर जाए, जो भी जहां भी किसानों का सलाहकार है वो जानकारी लेके किसान को बतावे घूम घूम के बढ़िया खेती हो। इसलिए भाइयों बहनों, एक अच्छा कार्यक्रम है, इस माध्यम से राज्य ने पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत भिट्टी गांव में जोड़ा महादेव मंदिर के पास ट्रांसफार्मर में स्विच की गड़बड़ी के कारण शिवरात्रि के दिन से ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि सबौर ग्रिड के जेई समेत बिजली विभाग के कई अधिकारी को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों ने कहा कि बिजली बिल समय पर देने के बावजूद विभाग की लापरवाही के कारण उन लोगों को बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती है। ये कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है काम? ये काम पेंडिंग मतलब शिवरात होने के पहले मतलब खबर मिला था। शिवरात तो में लाखों आदमी यहाँ पहुँचते हैं, अभी कुछ घटना हो जाता है इसका जवाब देगी कौन देगा? फैजल हुसैन आया था यहाँ पर, वो फैजल हुसैन की जड़ मारी, उससे मतलब नहीं, हम जो जानकारी नहीं था, जवाब दीजिए। हमको जानकारी नहीं, फैजल हुसैन आपको बचाएगा नहीं, हमको जानकारी नहीं था, हमको जानकारी नहीं था, इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, फैजल हुसैन यहाँ आया, भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित क्रिकेट एवं एथलेटिक्स कार्यालय में गुरुवार की रात्रि नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने ताला जड़ दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ खिलाड़ी और समर्थक भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसको लेकर खेल एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि कार्यालय में खेल का सम्मान है और प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है। इधर हंगामा की सूचना मिलते ही तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और एसोसिएशन के अधिकारियों और सदस्यों को समझा बुझाकर खेल एसोसिएशन के अधिकारियों की बात नगर आयुक्त और एसडीओ से कराने की कोशिश की, जिसके बाद सभी लोग वहां से वापस चले गए। वहीं इससे पूर्व नगर आयुक्त ने सैंडिस कंपाउंड में चल रही सभी योजनाओं का भी निरीक्षण किया, जबकि प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि कार्यालय का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगाया गया है और खेल एसोसिएशन के पदाधिकारी और खिलाड़ी प्रशासन से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। वहीं परिसर में रहने वाली एक महिला का कहना है कि निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने दलबल के साथ बिना महिला पुलिस के ही वहां घर में घुसकर घंटों जांच की, जबकि उस वक्त घर में उसके पति भी नहीं थे, जिससे वो काफी डरी सहमी हुई थी। लोगों को सूचना मिली कि सैंडिस कंपाउंड जिला समादेष्टा कार्यालय अंतर्गत हमारे केयर टेकर मुरारी कुमार और उनके पत्नी के साथ नगर आयुक्त ने दुर्व्यवहार किया और
बिना वारंट बिना किसी नोटिस के उनको जांच किया, जबकि उनको एसोसिएशन के द्वारा 15 साल से रखा गया है। पुलिस देख के घरेलू महिला घबरा गई और इन्होंने कहा कि जो पूरे बच्चे का बैग देख रहे आतंकवादी है क्या मुरारी कुमार, वो एक सम्मानित स्कूल में नौकरी करता है और वह स्पोर्ट्स का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वैसे लोग दूसरी ओर जाके यहाँ हमारे क्रिकेट का जो ऑफिस है उसमें भी ताला तोड़ के अपना ताला लगाए हैं। जब मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो क्या ये अधिकार है नगर आयुक्त को कि उस पर वो ताला लगाएं? और जब हम लोगों ने उनसे मिलने की चेष्टा की कि हम लोग सम्मानित लोग हैं और खेल कूद वाले शांति प्रिय लोग हैं कि हम लोग बात कर लिए, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे ऑफिस में आइएगा और चोर की तरह भाग गए। हम मोहम्मद नसर आलम एथलेटिक्स सचिव हैं। जैसा कि शाम में पता चला कि ये इस तरह का हादसा क्या कि ये तो लगता है कि क्रिमिनल जैसा है, जैसे आतंकवाद होता है उसको घेर के चलाते हुए पुलिस उसके घर में रेड करती है और उसका एक एक सामान चेक करना, तो इस तो खेल का मतलब खेल को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और एक खेल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से दबंगी की तरफ से, तो ये बहुत ख़राब है। उनको अगर कुछ तरह की शिकायत है कुछ चाहिए उसके लिए हम सचिव हैं, दो दो तीन तीन सचिव यहाँ पर, उनसे बात करते कि ये है हमको चाहिए कुछ है, आप आने के साथ लेडीज़ को उसको बाहर कर करके और उसको घर का सामान चेक करना या फिर क्रिकेट के रूम का ताला तोड़ करके हम लोग केस कर सकते हैं ना, सामान गुम हो गया यहाँ से। पूछे कि यहाँ क्यों रह रहे हैं, उसके बाद फिर तब बताएं कि यहाँ ग्राउंड में एथलेटिक एसोसिएशन है, तो फिर भी पूछ रहे हैं स्टेटमेंट लिए, उसके बाद फिर तब बोले कि यहाँ रूम में मतलब यहाँ का और कोई रहता है, हम लेकिन नहीं, हम और हस्बैंड रहते हैं। बोले कहाँ है हस्बैंड, बोले कि यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं थोड़ा काम से, तो बोले कि ठीक है। और फिर बोले क्या रूम चेक करना है, हम बोले जी सर चेक कर लीजिए, तो कोई मतलब उसी का आदमी को बोला कि चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई पीछे से रास्ता हो आदमी हो तो निकल गया हो, हम बोले चेक कर लीजिए सर। अगर रूम चेक करने कौन आया था? रूम चेक करने नगर निगम आए थे, नगर आयुक्त। उनके साथ और कोई थे, महिला कांस्टेबल? नहीं सर, महिला पौने घंटा के बाद आए थे।